नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हेल्थ क्यू चैनल में। ये एक हेल्थ अवेयरनेस चैनल है जहां मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं आपके हेल्थ के प्रति। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं अपनी सबसे ज्यादा फेवरेट इलेक्ट्रिकल मशीन या मोडालिटी के बारे में, जिसका नाम है अल्ट्रासाउंड थेरेपी यूनिट। अल्ट्रासाउंड थेरेपी यूनिट इक्वली पॉपुलर है कंपेयर टू टेंस या IFT, लेकिन अल्ट्रासाउंड एक ऐसी मशीन है जिसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी पे काम करती है, ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और टाइम टेस्टेड है। तो ये मशीन कैसे काम करती है, इसके क्या बेनिफिट हैं और ये कब नहीं यूज़ करनी चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में हम आज समझेंगे। तो ज़रूर से बने रहिए मेरे साथ अंत तक के। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्ट्रासाउंड थेरेपी में जो मशीन में जो करंट आता है, वो करंट नहीं होता है, वो साउंड वेव्स होती है। जी हाँ, अल्ट्रासाउंड वही मशीन है जो सेम मशीन सोनोग्राफी में यूज़ की जाती है। जो फर्क है वो सिर्फ इतना होता है कि जो साउंड वेव्स जो इस मशीन से निकलती है, इसकी फ्रीक्वेंसी डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड की कंपेरिजन में अलग होती है। दोस्तों, हमारी सुनने की क्षमता जो होती है वो होती है बिटवीन 16 यानी 16,000 से तो 20,000 हर्ट्ज। इससे ऊपर के कोई भी अगर फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स जब निकलती है तो वो हमारे ह्यूमन ईयर्स नहीं सुन पाते हैं। और जैसे कि थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये होती है 3.5 से 7.5 लाख हर्ट्ज की। ये बहुत ही ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होती है और इसीलिए हम इसे सुन नहीं पाते। अल्ट्रासाउंड की जो यही फ्रीक्वेंसी होती है, इसी के आधार पर ये डिटरमिन किया जाता है कि अल्ट्रासाउंड को डायग्नोस्टिक यूज़ के लिए यूज़ किया जाएगा या फिर थेरेप्यूटिक पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। अधिकतर अल्ट्रासाउंड थेरेपी जब थेरेप्यूटिक पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है, तो इसकी जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी यानी जो मशीन से निकलने वाली साउंड वेव्स है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 1 MHz, 2 MHz या 3 MHz। ये कॉमर्शियली अवेलेबल अल्ट्रासाउंड थेरेपी की मैं बात करूँ। अगर हम इसके इफेक्ट की बात करें, तो इसकी कुछ बॉडी में हमारे इफेक्ट होते हैं इन साउंड वेव्स की, जो हमें मदद करते हैं हमारे हीलिंग प्रोसेस में। ये इफेक्ट क्या है? पहले तो अल्ट्रासाउंड थेरेपी की मदद से वुंड हीलिंग को इम्प्रूव किया जा सकता है। अभी मैं सुपरफिशियल कट्स की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। जब हमें कोई रिपीटेटिव स्ट्रेस इंजरी होती है, जैसे टेनिस एल्बो है, प्लांटर फेशियाइटिस है या फिर बाइसिपिटल टेंडिनाइटिस है, ऐसे कंडीशन जहाँ पे हमारे इंटरनल टेंडन्स मसल्स इसमें माइक्रोट्रॉमा या बार बार यूज की वजह से इंटरनल डैमेज हुआ है, तो उस डैमेज को कम करने में या हील करने में अल्ट्रासाउंड थेरेपी हेल्पफुल रहती है। अल्ट्रासाउंड थेरेपी की मदद से जो डैमेज्ड एरिया या जो इंजरी वाला एरिया, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से वहाँ से सारे टॉक्सिन्स एलिमिनेट हो जाते हैं और हीलिंग प्रोसेस और फास्टर हो जाता है। अल्ट्रासाउंड ना ही सिर्फ हीलिंग, लेकिन जो उस टिश्यू की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको भी इम्प्रूव करता है। वो जो कैल्शियम डिपॉजिट्स बन जाते हैं मसल्स पे, उन्हें रिमूव करने में या उसे ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। और इस सब के साथ ही साथ जो अल्ट्रासाउंड थेरेपी है, ये दर्द कम करने में और मसल स्पाज्म को कम करने में भी मदद कर सकता है। और इसकी जो सबसे बेस्ट बेनिफिट है, और ये एक ऐसी बेनिफिट है जो सिर्फ अल्ट्रासाउंड थेरेपी के माध्यम से ही हम अचीव कर सकते हैं, वो है वो कुछ दवाइयों के डीप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें वॉलिनी जेल लगानी हो कमर के दर्द के लिए, और अगर हम वॉलिनी जेल लगाते हैं तो क्या होगा, वॉलिनी जेल या तो सुपरफिशियल स्किन टिश्यू या अधिकतर डीप स्किन टिश्यू तक ही पेनिट्रेट होगा। लेकिन विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड थेरेपी, अगर हम वॉलिनी जेल को ECG जेल के साथ मिक्स करके जब अल्ट्रासाउंड थेरेपी देते हैं, तो वो जो दवाई है वो बहुत ही ज़्यादा डीप पेनिट्रेट होती है, वो मसल्स तक के पहुँच सकती है और अंदर भी हमें हीलिंग कराने में मदद करा सकती है। और ये एक ऐसा यूनिक फीचर है जो और कोई भी इलेक्ट्रिक मशीन्स, या चाहे वो IFT हो या टेंस हो, उसमें अवेलेबल नहीं होता। ये अल्ट्रासाउंड मशीन या थेरेपी काम कैसे करती है? तो जब अगर आपने अल्ट्रासाउंड डिवाइस देखा होगा, तो उसमें एक हेड होता है जिसे कहते हैं ट्रांसड्यूसर हेड। अब इस ट्रांसड्यूसर हेड के अंदर एक क्रिस्टल होता है जिसको कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। अभी अल्टरनिंग करंट, जो करंट होता है वो इस क्रिस्टल पे जाता है, और ये क्रिस्टल इस करंट की वजह से वाइब्रेट होता है, और इस वाइब्रेशन के चलते अकॉस्टिक साउंड वेव्स जनरेट होते हैं। ये अकॉस्टिक साउंड वेव्स फिर पेनिट्रेट करते हैं स्किन पे।
लेकिन ये साउंड वेव्स अपने आप स्किन में पेनिट्रेट नहीं कर सकते, ये हवा में भी पेनिट्रेट नहीं कर सकते, इसे एक मीडियम की जरूरत होती है, फॉर एग्जाम्पल ईसीजी जेल जो यूजुअली यूज किया जाता है। जब ये साउंड वेव्स बॉडी के अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं तो ये साउंड वेव्स हड्डी तक के जाते हैं, हड्डी से पेनिट्रेट नहीं कर पाते। जब ये साउंड वेव्स हड्डी से पेनिट्रेट नहीं कर पाते तो ये रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और इस रिफ्लेक्शन के कारण इंटरनली माइक्रो मसाजिंग इफेक्ट डेवलप होता है, इंटरनली वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, और इस वाइब्रेशन के चलते वहाँ पे हल्की सी हीटिंग भी डेवलप होती है, और इस हीटिंग के वजह से हीलिंग को मदद मिलती है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हमें दर्द से राहत मिलती है। जैसे मैंने कहा, कॉमर्शियली जो अल्ट्रासाउंड थेरेपी यूनिट्स है ये 1 MHz, 2 MHz और 3 MHz के मॉडल्स में मिलती है, और जितने कम फ्रीक्वेंसी की पेनिट्रेशन या फिर आउटपुट पेनिट्रेशन है एक मशीन का, उतनी ज़्यादा डीप इसकी पेनिट्रेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक 1 MHz के आउटपुट फ्रीक्वेंसी के जो अल्ट्रासाउंड यूनिट है ये बहुत ही ज़्यादा डीपर पेनिट्रेशन देगा कंपेयर टू 3 MHz वाले यूनिट से, और इसीलिए जो अल्ट्रासाउंड डिवाइसेस जो इजीली अवेलेबल होते हैं ये यूजुअली 3 MHz के होते हैं। 1 MHz वाले जो थोड़े से हैवी ड्यूटी या जो फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स हैं वहाँ पे देखने मिलते हैं। अब बात करते हैं कि अल्ट्रासाउंड थेरेपी को किन किन कंडीशंस में यूज़ किया जाता है। अल्ट्रासाउंड थेरेपी बहुत ही वर्सटाइल टूल है, मैं तो इसको मतलब ऑलमोस्ट सारे ही मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन के पेशेंट्स में यूज़ करती हूँ, अनटिल एंड अनलेस वहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेशंस ना हो, चाहे वो नेक पेन हो, शोल्डर पेन हो, एल्बो पेन हो, प्लांटर फेशियाइटिस हो, टेनिस एल्बो हो, या फिर नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, हिप पेन हो, एसआई जॉइंट डिसफंक्शन हो, बैक पेन हो। इट्स सच एन वर्सटाइल एंड इफेक्टिव टूल कैन इट कैन हेल्प इन ऑल दिस कंडीशंस। लेकिन इसका डोजेज यानी इसको कितने ड्यूरेशन तक के अप्लाई करना है या यूज़ करना है, इसे कैसे यूज़ करना है, कितने देर के लिए यूज़ करना है, कितने बार यूज़ करना है, ये डिपेंड करता है ऑन पेशेंट। इसलिए मैं एडवाइस करूँगी कि अगर आपको भी अल्ट्रासाउंड थेरेपी यूज़ करना है तो अपने फिजियोथेरेपिस्ट की मदद और सलाह के बिना ना करें। अब बात करते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की, यानी कि अल्ट्रासाउंड थेरेपी को कब नहीं लेना चाहिए। तो अल्ट्रासाउंड थेरेपी बिल्कुल भी नहीं यूज़ करनी चाहिए उस जगह पे जहाँ पे मेटल इम्प्लांट प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको फ्रैक्चर हुआ है और आपके पैरों में कोई रॉड लगी है तो उस एरिया में आप अल्ट्रासाउंड थेरेपी नहीं ले सकते हो। इसके साथ ही साथ अगर आपको कोई बॉडी एरिया जहाँ पे नियोप्लास्टिक चेंजेस यानी वहाँ पे कुछ अल्सर हुआ है या फिर वहाँ पे कुछ आपको सर्कुलेशन रिलेटेड इश्यूज है तो ऐसे टाइम पे भी आपको अल्ट्रासाउंड नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर आपको हार्ट में पेसमेकर लगी है तो भी आपने अल्ट्रासाउंड को यूज़ करना अवॉइड करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आपके सेंसरी सिस्टम अफेक्टेड है यानी आपको गर्म ठंडे की समझ ठीक से नहीं पड़ती है या फिर आपको सेंसेशन ठीक से नहीं समझते हैं तो ऐसे दौरान भी आपको अल्ट्रासाउंड थेरेपी यूज़ करने में प्रिकॉशंस रखने चाहिए। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो टू हेल्प यू अंडरस्टैंड अल्ट्रासाउंड थेरेपी क्या होती है। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं समझा पाई। अगर हाँ तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।